हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन हम मैसेजेस में यूज करेंगे उस इंटीग्रेशन के बारे में आज हम जानते हैं थोड़ा सा। तो सपोज सबसे पहले हम जानेंगे ये है इंटीग्रेशन का सिंबल और इसके साथ में डी एक्स डी वाई डी जेड ये वाली टर्म जरूर हुआ करती है, जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर कह सकते हैं, जो इंटीग्रेशन के लिए सिंबल है। ये पूरा सिंबल बनता है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का यहाँ पर dx लिखा हुआ है और सिंबल लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कोई भी बड़ा फंक्शन की होल फंक्शन की वैल्यू मुझे मालूम है, अब मुझे उस फंक्शन के छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में चेंज निकालना है या बहुत छोटे से छोटे पार्ट की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिफरेंशिएट करता चला जाता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे किसी फंक्शन के बड़े से बड़े पार्ट दे रखा है, उसका छोटा छोटा पार्ट दे रखा है और उसमें जो होल पार्ट चाहिए, तो मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन बेसिकली द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट है इंटीग्रेशन। जो चीज़ हम डिफरेंशिएशन करके शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में मैं चेंज फाइंड करता हूँ, यानी छोटे से छोटा चेंज किसी के रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर सकते हैं, वही इंटीग्रेशन की हेल्प से हमें बड़ी वैल्यू फाइंड हो सकती है। सपोज अगर मुझे किसी सरफेस का छोटे से पार्ट का एरिया दिया होगा, तो मैं उसको इंटीग्रेट करके होल पार्ट का एरिया निकाल सकता हूँ। अगर मुझे 2 सेकंड 3 सेकंड में या एक रिलेशन में डिस्टेंस मालूम होगा, तो मैं उसे इंटीग्रेट करके ज्यादा बड़े टाइम में 10 सेकंड में 50 सेकंड में 100 सेकंड में उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो अब इसको समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास x इज पावर n फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह से करते हैं n+1 upon n+1, पावर बढ़ेगा प्लस वन और डिवाइड में वही पावर आएगा एन प्लस वन। दूसरा फॉर्मूला है सिर्फ डी एक्स है किसी कांस्टेंट के साथ, के डी एक्स क्या रह जाएगा, के एक्स रह जाना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास ई रेस टू द पावर एक्स है, तो ई रेस टू द पावर एक्स ही रहना है। डिफरेंशिएशन में भी ये फॉर्मूले पढ़े थे हमने, 1 upon x है तो 1 upon x को log x हो जाना है। फॉर्मूला यूज करेंगे सभी ये हम, साइन x है और dx, तो ये माइनस cos x dx becomes साइन x sec square x tan x cosec square x माइनस cot x। और भी बहुत सारे होते हैं, बस यहाँ पर हम सिंपल कुछ ही फॉर्मूले यूज करेंगे। तो हम देख सकते हैं cos x को जब डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस साइन x आया करता था, अब साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा। जब साइन x को डिफरेंशिएट किया करते थे तो cos x आया करता था, अब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x आ जाएगा। tan x को डिफरेंशिएट किया था तो sec square x था, अब sec square x को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आएगा। तो क्या हो रहा है, फॉर्मूले में आपस में सिमिलैरिटी है, तो उसकी हेल्प से हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x+3। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन पहले मुझे फाइंड करना है 2x+3। तो देखें इसे 2x, यहां पर x की पावर n है तो n+1 upon n+1, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, x की पावर 1 है तो ये कर देंगे 1+1 upon 1+1 3। सिर्फ kdx है अगर, तो यहां पर क्या आ रहा है 3dx, तो अगर सिर्फ के डी एक्स है तो ये क्या हो गया के एक्स, तो हो जाएगा 3x। तो वी हैव 2x² upon 2+3x, कैंसिल किया x², ये हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन हो गया इस टर्म का। इज दैट क्लियर, पहला क्वेश्चन हमारा 2x+3 था, हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया। पहला ज्यादातर फॉर्मूला ये यूज होता है, अगर कोई भी एलजेब्रिक टर्म है मेरे पास, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x, x square, x cube, x power 4, x power 10, x power 100, whatever we have,
हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स टू पावर एन, तो एन का मतलब वन है यहाँ पर, तो वन प्लस वन, दैट क्लियर, एन प्लस वन, एन की वैल्यू वन है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, के डी एक्स, दिस इज के डी एक्स बिकम्स के एक्स, तो के डी एक्स बिकम्स के एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन टू कैंसिल करके मेरे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स, और अगर कुछ नहीं चाहे तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ 3 कर लो, और भी नंबर यूज कर सकते हैं, सो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, बाहर ही रहता है, x रेज़ टू द पावर n यानी n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1 एंड n प्लस 1, क्लियर, यस, x की पावर n मींस n प्लस 1, प्लस 3 अगेन x की पावर n मींस n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस 5 x, इट बिकम्स 2 x 4 अपॉन 4, 3 x क्यूब अपॉन क्यूब प्लस 5 x, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, x 4 अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x, ये हमारे पास, आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही फंक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, अभी और क्वेश्चन देखते हैं हम, आइए देखें, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है इसको कैसे करें, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 5, अभी रेसिप्रोकल है, तो पहले इसको फॉर्मूले के शेप में लाओ, माइनस 5 डी एक्स, अब ये बन गया, n की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, एक्स रेज़ टू पावर n है, ये यहाँ से ऊपर लेकर मैं इसको माइनस 5 कर दिया, यानी n हो गया, अभी क्या करना है मुझे, एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 और प्लस, तो नथिंग, डोंट हैव एनीथिंग, तो वन अपॉन एक्स बार फाइव एक्स माइनस फोर माइनस फोर, तो इट कैन बी रिटन माइनस वन अपॉन फोर एक्स टू द पावर फोर, इसको मैंने वापस पॉजिटिव बना लिया, तो इस तरह से हम अगर डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है पावर तब कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वही हमारे पास ये तरीका है। और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में जाता रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, अब इसको कैसे करना है हमें, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, सेम प्रोसेस रहेगा, रूट एक्स मतलब वन बाई टू पावर, यानी कि माइनस वन बाई टू, ये देखें एक्स पावर वन बाई टू, इसको ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस वन बाई टू बचेगा, अब इसका एक्स की पावर एन, एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन, एन प्लस वन, इज दैट क्लियर, सो इट बिकम्स वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू, इसको अरेंज कर लेते हैं, थ्री बाई टू रेसिप्रोकल करेंगे टू बाई थ्री, एक्स की पावर थ्री बाई टू, ये वन बाई टू यानी कि प्लस का टू एक्स की पावर वन बाई, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये आंसर आया हमारा। तो इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे, इंटीग्रेशन करने का ये सिंपल मेथड है हमारा, हमें ऐसे ही सिंपल इंटीग्रेशन का ही यूज करना है, इसके अलावा हमारे पास एक तरह का इंटीग्रेशन और हुआ करता है जिसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उस डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में भी पढ़ेंगे हम।